ना कीजिएगा, नहीं तो उलझ जाएंगे। लाइजनिंग का काम कीजिए, मीडिएटिंग का काम कीजिए। आप अगर प्रोडक्टिव कोई बिजनेस काम करना है तो ट्रेडिंग कर लीजिए किसी चीज का प्रोडक्ट में, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि लाइजनिंग का काम आप करें, ये सही रहेगा। रत्नों में अगर बात करूं तो आपको इस कुंडली के हिसाब से पन्ना और नीलम या नीलम का सब्स्टिट्यूट नीली ये जरूर धारण करना चाहिए। पन्ना कम से कम 6.25 रत्ति का और नीलम पहने तो 5.5 रत्ति और नीली पहने तो 8 रत्ति तक का धारण करें। बिल्कुल, आगे हम बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में भी, खास प्रयोग होगा आपसे हम में। लेकिन आचार्य जी, हमारी जो संवाददाता है आरती पांडे, उन्होंने दिल्ली के झंडे वालान मंदिर से अपने कैमरे यानी लाइव इंडिया कैमरे में जो है माँ के भव्य दर्शन को जो है समेटा है। आइए हम सब भी दर्शन करते हैं माँ के। इस बार बेहद शुभकारी माना जा रहा है इन नवरात्रों को, और फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में, और सबसे पहले हम आपको वो पवित्र दर्शन कराना चाहते हैं जो दर्शन करने के लिए सुबह सवेरे से दूर दराज से भक्त पहुंचे हुए हैं नवरात्रों के इन दिनों में दर्शन करने के लिए। और जिस खास संयोग की हम बात आपको बता रहे थे वो ये है कि इस बार जो श्राद्ध हैं वो एक कम हुए हैं और जो नवरात्रि हैं वो एक दिन बढ़े हुए हैं, यानी कि इस बार 9 दिन के नहीं बल्कि 10 दिनों के नवरात्रि होंगे। और ये विशेष संयोग जो है करीब 18 सालों के बाद बना है जिसको कि बेहद शुभकारी माना जा रहा है। फिलहाल झंडे वालन मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं और हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि बेहद खूबसूरत यहाँ पर जो डेकोरेशन भी यहाँ पर की गई है, जो कि भक्त बड़ी दूर दूर से, जैसे कि हमने आपको शुरू से ही बताया कि दूर दराज से भक्त यहाँ पर आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और आज के दिन शैलपुत्री का दिन है और लगातार 2 दिन यहाँ पर शैलपुत्री का, जो कि माँ भगवती का पहला स्वरूप है, उसकी आराधना की जाएगी। और इस रूप में अगर हम माँ के श्रृंगार की बात करें, एक बार अगर हम मुख्य दरबार को अगर आपको दिखा पाए तो मुख्य जो दरबार है वहाँ पर अधिक से अधिक जो पीले वस्त्र हैं, पीला जो श्रृंगार है वो माँ के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आज के दिन शैलपुत्री के इस रूप में माना जाता है कि माँ को पीला रंग अति प्रिय है। और झंडे वालन मंदिर में लगातार 2 दिन तक माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना की जाएगी। सुबह 4:30 बजे पहली आरती यहाँ पर हुई है, 4 बजे से ही जो दरबार है वो भक्तों के लिए खोल दिया गया है और पूरे दिन ये दरबार जो है भक्तों के लिए खुला रखा जाएगा। शाम को 7:30 बजे जो दूसरी आरती होती है उसमें भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर माँ भगवती के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो ये हमने झंडे वालान से माँ जो दम दुर्गा भगवती हैं उनके दर्शन भी किए। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं, रजनी जुड़ गई है दिल्ली से। रजनी जी आपका स्वागत है शो में, जय माता दी बोलिए, जानकारी बताइए। जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी बिटिया के लिए पूछना है। जी बताए। डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1990। समय टाइम है 9:36 PM और प्लेस दिल्ली का जन्म है। क्या सवाल है आपका? ये पूछना चाहती हूँ बिटिया मांगलिक है और बच्चे की शादी कैसे होगी और शादी के बाद की लाइफ कैसे रहेगी? जी देखिए, कन्या लगन की कुंडली है और वृषभ राशि बनती है, सॉरी मिथुन राशि बनती है, कन्या लगन की कुंडली और मिथुन राशि बनती है और बृहस्पति की महादशा बुध की अंतरदशा चल रही है। बात करें अगर हम कि मांगलिक है कि नहीं, तो देखिए चौथे भाव में मंगल जरूर बैठे हैं, लेकिन मंगल पे जिस राशि में बैठे हैं उस राशि स्वामी की दृष्टि होने की वजह से यहाँ भी मंगल का दोष खंडित होता है और चौथे भाव का मंगल माँ के लिए, माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे शनि भी मंगल के साथ हैं, शुक्र भी मंगल के साथ हैं, तो ये खंडित हो रहा है। रही बात शादी की, तो शादी की अगर बात करें तो जून 2017 से बहुत अच्छा योग बन रहा है। जून 2017 के बाद आप देखिए लड़का, और साथ ही साथ आगे की बात करें कि भविष्य कैसा रहेगा तो भविष्य बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते कि इस लड़की को जीवन पर्यंत भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल,
आगे राशिफल बताएंगे आप सबका, लेकिन उससे पहले बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की, तो आप तैयार हो जाइए इसे नोट करने के लिए, क्योंकि आप सबको बढ़ाना है अपना अपना भाग्य, और भाग्य को बढ़ाएंगी माँ शैलपुत्री, जिनका आशीर्वाद छिपा हुआ है आज के सीक्रेट नंबर में। बात करेंगे आपके सीक्रेट नंबर की, जो मूलांक पे आधारित है। शुरू करते हैं मूलांक एक से। मूलांक एक वाले लोग, आप लोगों के लिए है 17 नंबर। मूलांक दो की बात करें तो मूलांक दो के लिए 21 नंबर। मूलांक तीन, आपके लिए 19 नंबर। मूलांक चार, 16 नंबर। और मूलांक पांच, 22 नंबर। मूलांक छह की बात करें, 12 नंबर। मूलांक सात, 18 नंबर। मूलांक आठ की बात करें, 23 नंबर। और मूलांक नौ वाले लोग रखेंगे अपने पास 14 नंबर। तो ये आपके सीक्रेट नंबर है, जो आपको हर तरह से आगे बढ़ाता है, चमत्कार दिखाता है, संभाल के रखिए। बिल्कुल। और अब मेरठ से हमारे साथ रमा जुड़ी हैं। रमा जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी रमा जी, बताएं जन्म की तारीख। हाँ, उसकी 28 अक्टूबर 86। जी, 10:15 बजे। स्थान मेरठ। क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैं उसके काम के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो रियल एस्टेट में जॉब करता है, पर वो कहीं अभी तक सेटल नहीं हो पा रहा, और उसकी शादी के बारे में ये दो सवाल है मेरे। जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, कन्या लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है वो सिंह राशि बनती है। सूर्य की महादशा, केतु की अंतर्दशा, थोड़ा सा धीरज रखिए, लड़का आपका बिल्कुल सेटल्ड होगा। 10 जनवरी 2017 के बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी, धीरे 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 हर चीज, काम धाम भी अच्छा होगा। इनके लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, जरूर करवाइए। सूर्य नीच के हैं और सूर्य की महादशा चल रही है, तो बड़ा तनाव रहता है, कितनों काम करें काम के अनुसार फल नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इनको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। रविवार के दिन तामसिक भोजन से बचें, साथ ही साथ भगवान सूर्य को रोजाना जल चढ़ाएं, सूर्य दर्शन करें, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है राशिफल की, और राशिफल में भी हम आपको ये भी बताएंगे कि आप माँ दुर्गा जो हैं उन्हें क्या कुछ अर्पित करें। कल भी माँ शैलपुत्री का दिन है, तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का कल का दिन कैसा निकलेगा और माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ अर्पित करें, आइए जानते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि क्या रहेगी, करना क्या है कि आपको माँ को गुलाब की पत्तियां चढ़ाएं, आप नए संबंध बनेंगे इससे, और हरा रंग शुभता लिए हुए है। 86% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए आप क्या करेंगे, माता जी के लिए आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और मान सम्मान बढ़ेगा इससे। सफेद रंग शुभता बढ़ा रहा है और 84% के साथ भाग्य आगे बढ़ाए हुए है। मिथुन राशि की बात करें तो आप माँ को 7 हरे हकीक चढ़ाइए, शिक्षा में सफलता मिलेगी। कॉपर रंग शुभता लिए हुए है और 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कर्क राशि की बात करें तो आप लोग सफेद तिल चढ़ाएंगे माँ को, आर्थिक लाभ होगा इससे। नीला रंग शुभता लिए हुए है और 54% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करें तो आप लोगों को नारियल चढ़ाना है माँ को, वीजा आवेदन की परेशानी जो है ये दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ भूरा रंग अपनाइए, 50% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं कन्या राशि की, तो आप लोग क्या करेंगे, चीनी और चावल माँ को चढ़ाइए इससे, और साथ ही साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। बादामी रंग शुभता लिए हुए है और 66% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और अब दिल्ली से लक्ष्मण जुड़े हैं हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। मैडम नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी बोलिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी लक्ष्मण जी।
बहन जी, मुझे बेटी के बारे में सवाल पूछना था। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 13/10/1991 है, शाम को 4:45 पे अल्मोड़ा उत्तराखंड जी। तो मेरी बेटी के शादी के बारे में मुझे जानना था जी। जी बताते हैं, अल्मोड़ा बताया आपने जी, बिल्कुल। देखिए जो कुंडली है इस हिसाब से अगर हम बिटिया की बात करें तो तुला लगन की कुंडली बनती है और मिथुन राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा राहु की अंतर्दशा चल रही है और शनि की महादशा शुरू हो रही है 12 मई 2018 से। राहु की महादशा में थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए, शादी विवाह सब कुछ होगा, लेकिन राहु की महादशा में विशेषता ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी रिश्तेदार के प्रेशर में आके उलझ ना जाए, रिश्ता भी बिगड़ेगा, बिटिया का सुख भी बिगड़ेगा, तो वेट कीजिए। उपाय बता रहा हूँ ये जरूर कीजिएगा, बृहस्पति उच्च के हैं चूंकि बिटिया की कुंडली में, तो इनके लिए हम यही कहेंगे कि रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे लाभ होगा। और इनको जरा पन्ना पहनाइए फिर देखिए लाभ। बिल्कुल, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार महिलाओं के सम्मान की बात होगी, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल होगा, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, देखो देखो माँ का दरबार, देखो माँ का दरबार सजा हुआ है, हमारे हम जो है माँ के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल शरण में है, माँ की शरण में है और ऐसे में माँ का आशीर्वाद हम भी प्राप्त कर रहे हैं और आप पर भी माँ की अनुकंपा जो है हमेशा बनी रहे। और इसी के साथ अब जान लेते हैं कि तुला से लेकर के मीन राशि तक के जो जातक है इनका कल का दिन कैसा रहेगा और साथ ही साथ माँ को प्रसन्न करने के लिए ये क्या कुछ अर्पित करें। बात करेंगे तुला राशि की, तो आप लोग क्या करें कि माँ को काजल अर्पित करें, साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होगी, लाल रंग सुप्ता लिए हुए है और 82% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आप लोग दूध अर्पित करेंगे माता के लिए,
प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और हरा रंग शुभता लिए हुए है और 90% के साथ भाग्य आगे बढ़ाए हुए है। धनु राशि की बात करें तो आप लोग माँ को गुड़ और इलायची चढ़ाएं, पुत्र से लाभ होगा। साथ ही साथ सफेद रंग शुभता लिए हुए है, 88% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मकर राशि की बात करें तो आप लोग मिश्री का भोग लगाएंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा। मैरून रंग अपनाएं, 78% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाले लोग, आप लोग क्या करेंगे कि माँ के लिए सुपारी चढ़ाएंगे, लेकिन 7 सुपारी चढ़ाइएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा प्रत्येक क्षेत्र में। पीला रंग शुभता लिए हुए है, 71% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मीन राशि की बात करें तो आप लोग चंदन चढ़ाएं माँ को, शादी का योग बनेगा। सुनहरा रंग अपनाएं, 66% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और अब बारी आ गई है माँ से वरदान हासिल करने की। जी हाँ, रोगों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ आपको जो है आरोग्य का वरदान दें, तो इसके लिए क्या करना है उपाय, आइए जान लेते हैं। वरदान तो लेना ही है माँ से, करना क्या है, रोगों से दूर कैसे रहें, कैसे सुरक्षित रहें, सबसे बड़ा शत्रु रोग होता है। तो आपको करना क्या है कि 5 दुर्वा लीजिए और उस दुर्वा को घी में भिगो लीजिए, उसके ऊपर एक जायफल रखिए और जायफल रखकर इसको गाय के गोबर के उपले पे जला लीजिए, चाहे कपूर से जला लीजिए, और साथ ही साथ माँ का ध्यान करें और जो भी रोग है उस रोग के लिए प्रार्थना करें। और जलने के पश्चात दुर्वा और जायफल का जो भस्म होगा उसका सेवन करें, खा सकते हैं, और तिलक भी कीजिए। पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, ये दूर हो जाएगा। बिल्कुल, और बात करने की उनके सम्मान के बारे में बात करने की, करण का प्रतीक है क्योंकि नवरात्रि का शुभारंभ होना बहुत ही शुभ माना जाता है महिलाओं के लिए भी, और शक्ति और बढ़ जाती है, और ऐसे में महिला जो है हर क्षेत्र में हर कार्य में सम्मानित हो, परिवार में भी समाज में भी, इसके लिए क्या किया जाए खास उपाय, आइए आपको बताते हैं। आपसे हम शाहों से ऊंचा जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। आपके सम्मान में हमारा सम्मान है, स्त्रियों के सम्मान में देश का सम्मान है। करना क्या है कि आप सम्मानित रहें, 5 दुर्वा लीजिए और चुटकी भर जौ लीजिए, अपने ऊपर से इसको उतारिए और किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, इससे क्या होगा कि आप सम्मानित रहेंगे। जी, और अब लखनऊ से हमारे साथ नीलम जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में, जय माता दी। जी जी प्रणाम, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम जी। हमको अपने भतीजे के बारे में जानकारी देनी। जी बिल्कुल, बताएं जन्म की तारीख। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी जी 1989 जी। समय? समय सुबह के 7:35। और स्थान? स्थान है प्रतापगढ़, यूपी, प्रतापगढ़। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, उसके बारे में पूछना था कि वो कुछ काम हम कर नहीं रहा है, वो नौकरी या कोई मतलब बिजनेस या नौकरी कुछ का कमी, कब समय सही आएगा, कुछ भी नहीं कर रहा, इसमें ऐसे बैठा हुआ था। जी देखिए, कुंभ लगन की कुंडली बनती है और जो राशि है इनकी कन्या राशि है, राहु की महादशा चल रही है, तो चिंतित ना हो, राहु की महादशा में चीजें आगे पीछे होती हैं। ऐसा नहीं कि लड़का ये मेहनती नहीं है, मेहनती है, सूर्य ग्रहण दोष भी है, पितृ दोष भी है। और रही बात 2017 का इंतजार कीजिए, जून 2017 के बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन उसके पहले कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करवाइए और सूर्य को जल दिलवाइए, क्योंकि सूर्य दूषित है इस कुंडली में। बिल्कुल,
तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपने बहुत अच्छी अच्छी अहम जानकारियां दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल भी माँ शैलपुत्री का दिन है, लेकिन कल कुछ खास वरदान माँ से हासिल किया जाएगा। और माँ को प्रसन्न करने के लिए किस खास चीज का भोग लगाएं, बहुत सारी जानकारियां होंगी जो कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे। तो जाते जाते कीजिए झलक भी देखिए और साथ ही साथ माँ के दर्शन भी कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
आज सबसे बड़ा जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ, खबर हमारी फैसला आपका। उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्त की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी शुगर थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही है। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्य किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस लाइव प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन ही इलाज है या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो आप मुझे फोन कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई घरेलू नुस्खा या कोई ना कोई उपाय बताने की जिससे आप ठीक हो सकें। और हमारा इस प्रोग्राम को चलाने का, दिखाने का, बनाने का उद्देश्य क्या है, आप एक चीज समझें कि जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, तो आप उस डॉक्टर से पूछिए कि ये जो दवाई है ये बीमारी की है या बीमारी के जड़ की है, क्योंकि जो आपको बीमारी बताई जाती है वो बीमारी है, उसके होने की वजह के इलाज की दवाई कोई नहीं दे रहा हमें। यही वजह है, एक बीमारी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर ऑपरेशन फिर ये फिर वो फिर ट्रांसप्लांट पता नहीं क्या क्या, और आप खुद समझदार हो आजकल देश में हो क्या रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर मनीष जी। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं जयपुर से सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मेरे को सर आप टीवी पे देख के बात मत कीजिए ना, साइड पे होके बात कीजिए। टीवी पर क्या होता है, हमारी जो आवाज है 15 मिनट सेकंड लेट चलती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी बताइए। 2 साल से मुझे शुगर है। 2 साल से? ठीक है। शुगर है और मेरे को प्रोटीन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है 10 साल से। 10 साल से जी? वो 10 साल से प्रोटीन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए शुगर हुई है आपको। दूध दही डालें ये कुछ भी नहीं खा सकता, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका लीवर वीक है। उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र 51 साल है। वजन कितना है? वजन है 62 kg। और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ठीक है, 10 साल से दिक्कत है आपको। उससे पहले क्या दिक्कत थी आपको? उससे पहले कोई एसिडिटी और ये प्रॉब्लम थी गैस की बस। और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है मेरे को।
उसका ऑपरेशन करवा लिया कि अभी नहीं करवाया? नहीं कराया सर, ऑपरेशन नहीं कराया। ठीक है, डॉक्टर ने तो बोल दिया ना करा लो। हाँ, उन्होंने कह दिया करा लो। ठीक है, जब भी कभी एसिड गैस भी बनता है ना, वो भी एक चेतावनी होती है किसी और बीमारी की। जी जी। लेकिन हम लोग भारतीय समझते नहीं है। जी जी। पूरे विश्व में आज भारत की जो एवरेज उम्र है वो 65 साल है, और 65 साल भी बीमारियों वाली। किसी को 30 में, किसी को 35 में, किसी को 40 में बीमारियां आनी शुरू होती हैं, और 65 साल में लगभग एवरेज भारतीय नमस्ते हो जाते हैं। लेकिन जापानी 84 साल